नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादलेवी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा या अपने काम के दम पर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं, यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी। और आपकी अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जब आपको एक इंडियन होने पर गर्व महसूस हुआ होगा। एक तरफ जहां हॉलीवुड मूवीज़ और हॉलीवुड स्टार्स का दबदबा चारों ओर फैला हुआ है, और उसी के बीच कुछ भारतीय फिल्में और कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उनके बारे में। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है 90s के पॉपुलर सिंगर कुमार सानू का। दोस्तों, 90s का पूरा दौर कुमार सानू का दौर था। 90s में एक तरह से कुमार सानू ने एक छत्र राज किया। लगातार 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड और भी जाने कितने अवार्ड इन्होंने जीते। और ये बात लगभग सभी लोग जानते होंगे कि कुमार सानू ने एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। 1993 में कुमार सानू ने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है, और इस वजह से इनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है कपूर्स फैमिली का। अगर भारतीय सिनेमा का इतिहास देखा जाए तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा परिवार जिसके सबसे ज़्यादा सदस्यों ने फिल्म जगत में काम किया वह है कपूर परिवार। कपूर खानदान ने बॉलीवुड को एक से एक दिग्गज कलाकार और कई सुपरस्टार दिए हैं। पृथ्वीराज कपूर ने पहली बार 1929 में फिल्मी पर्दे पर काम किया था, और उसके बाद ये लोग रुके नहीं और लगभग सभी लोग बॉलीवुड में एंट्री करते गए। यह परिवार 1999 से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है भारत की ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली का। बाहुबली मूवी लगभग सभी लोगों ने देखी होगी, और यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और कई सारे नए रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन इस फिल्म के पोस्टर के नाम दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह पोस्टर 50,000 वर्ग फुट से भी अधिक बड़ा था। और इस लिस्ट में आगे भी एक और फिल्म है जिसका नाम है कहो ना प्यार है। आज के समय में ऋतिक रोशन को कौन नहीं जानता, आज वह एक सुपरस्टार हैं, लेकिन यह फिल्म ऋतिक रोशन के जीवन की पहली मूवी थी, और इस फिल्म ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। और आपको बता दें कि कहो ना प्यार है मूवी के नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस फिल्म ने लगभग हर फील्ड में अवार्ड जीते थे, और जितने अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं उतने अभी तक तो किसी मूवी को नहीं मिले हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है गुजरे ज़माने के एक्टर जगदीश राज का। जगदीश राज को आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा। इन्होंने अपने जीवन की ज़्यादातर मूवीज़ में एक ही प्रकार का रोल किया है। जगदीश राज ने 144 मूवी में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा लिया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से क्या कोई रिकॉर्ड टूट सकता है, इनमें से आपको कौन सा रिकॉर्ड पसंद आया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई कहानी, नई जानकारी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।